आज हम जानेंगे फोटोशॉप में कस्टम शेप्स के बारे में। कस्टम शेप्स और उनका यूज जानने के लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। अब हम टूल बॉक्स से सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल को। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करके अगर हम होल्ड रखेंगे तो यहाँ पे और भी टूल्स दिखाई देंगे, जिनमें सबसे नीचे वाला ऑप्शन है कस्टम शेप टूल। इसको हमें सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे ऑप्शन बार में हमें इससे संबंधित ऑप्शंस दिखाई देने लग जाएंगे। आप शेप की बजाय चाहे तो पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं या पिक्सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बार में यहाँ पे हमें शेप को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये शेप सेलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से ड्रैग करते हैं डॉक्यूमेंट पे, तो इस प्रकार से ये एक शेप लेयर बन जाता है बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। इस शेप लेयर का पाथ पूरी तरह एडिटेबल है, जिसे आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्शन टूल की सहायता से कंट्रोल बटन प्रेस करके इस प्रकार से आप इसकी कॉर्नर्स को एडजस्ट कर सकते हैं और इसे शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह एडिटेबल है और ये एक फ्री लेयर है, जिसे आप मूव टूल की सहायता से इस प्रकार से कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ से फिल मेन्यू में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो, ज़रूरत हो, वो कलर सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको नो फिल, सिर्फ एक स्ट्रोक इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे कलर को ऑफ कर दीजिए और स्ट्रोक की जो वैल्यू है इसको थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए और यहाँ पे स्ट्रोक के लिए कोई भी कलर सेलेक्ट कर दीजिए। आप स्ट्रोक की डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन बने हुए हैं, तो इस प्रकार से आप स्ट्रोक की डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डैश गैप अलग अलग काफ़ी ऑप्शन बने हुए हैं, यहाँ पे आप चेक करके अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो शेप्स दिखाई दे रही है, इस वक्त सिर्फ कुछ ही शेप्स दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये जो सेटिंग्स का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। आप चाहें तो मैनुअली एक एक सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे एनिमल सेक्शन ऐड करेंगे तो ये जो शेप्स है ये अपेंड हो जाएगी, और फिल्म सेक्शन ऐड करेंगे तो इस प्रकार से अपेंड हो जाएगा। आप यहाँ पे ये जो ऑल ऑप्शन बना हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के बहुत ही ज़्यादा शेप्स दिखाई देने लग जाएंगे, जिन्हें आप सिर्फ सेलेक्ट करके इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं। अनवांटेड लेयर को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे काफ़ी शेप बनी हुई है जिन्हें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अलग अलग कलर दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी शेप चाहिए उस हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। आपको मैन्युअली इन चीज़ों को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। शेप टूल में यहाँ पे आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत ही
अलग अलग वेराइटीज के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।